कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर अल्मोड़ा में डॉक्टरों ने विरोध जताया है। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य स्टाफ ने कार्य बहिष्कार किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि मामले में आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और राज्य में अस्पतालों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये जो कलकत्ता में हमारी एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ, सेकेंड ईयर एजेंट के साथ जो बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में आज समस्त डॉक्टर यहाँ स्ट्राइक पे हैं। देखिए, कलकत्ता में जो महिला चिकित्सक के साथ बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। कम या ज़्यादा कहें, इसी तरह की परिस्थिति हमारे उत्तराखंड में भी है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने सुना होगा, रुद्रपुर में जो सिस्टर के साथ एक घटना हुई, कुछ समय पूर्व एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थे, उनकी ओपीडी में गोली मार के हत्या कर दी गई होगी। देखिए, जो भी ये घटना हुई है कोलकाता वाली, उसने सभी को बहुत झकझोर के रख दिया है। हमारी बस सिंपल सीधी मांगे हैं कि दोषियों के ऊपर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए हमें सरकार से यही गुजारिश है कि उनके लिए सेफ्टी मेजर्स और जो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो था, जो एक बीच में प्रपोज किया गया था, उस पर काम होना चाहिए। विमेंस की सेफ्टी के लिए स्पेशली काम होना चाहिए। ये तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि हर साल दर साल कोई ना कोई रेप की ऐसी घटना होती ही है जो हमें, जो सारे समाज को बिल्कुल झकझोर के रख देती है।